नाप के बागड़माऊ में अवैध खनन का चल रहा जोरों से कारोबार। बालू से लेकर मिट्टी खनन माफिया कर रहे लाखों के व्यारे न्यारे। प्रशासन को दे रहे इस दौरान खुली चुनौती। मनरेगा के तालाबों से जमकर किया जा रहा बालू का खनन और प्रशासन बना हुआ मूक दर्शक। लंबे समय से हो रहा अवैध खनन, इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी शासन प्रशासन ने इन अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा। मनरेगा के तालाबों से बालू निकाल कर प्रधान बनवा रहे शौचालय। क्या नाम है दादा? शिवनायक सिंह। शिवनायक सिंह, शिवनायक सिंह, क्या ये खदान हो रहा है यहाँ पर जी? कब से चल रहा है ये? ये बहुत दिन से चल रहा है। तो ये मिट्टी कहाँ ले जा रहा है? हाँ, जैसे समझ लीजिए अपने उसमें जाती बिक्री में। बिक्री में जाती है जी। तो ये मनरेगा का तालाब है? मनरेगा का तालाब है। और इसमें कोई कार्य हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। राम अवतार प्रधान ने बनवाया था, खुदवाया था, तब हमने भी। तो ये प्रधान राम अवतार कौन था? राम अवतार प्रधान भूतपूर्व, पहले का प्रधान जी। और ये जो वर्तमान प्रधान कुछ है, नहीं किया इसमें। इसका क्या नाम है? गणेशा देवी पाल। गणेशा देवी पाल, पत्नी। तो इसने कोई कार्य नहीं कराया? कुछ नहीं किया। ये बाउंड्री वगैरह जो है कुछ नहीं है, उसी जमाने की है। गेट उठवा भी ले गए, गेट भी उठ गया, और समझ ले इसके ईंटा भी। इसका गेट कहाँ चला गया? अब गेट प्रधान के यहाँ ले गया होगा, प्रधान अपने घर ले गया। आप सदस्य हैं यहाँ के जी? आप कौन हैं? हम सदस्य वार्ड नंबर एक के। वार्ड नंबर एक के हैं जी, यहाँ से लेकर के वो बुड्ढा तक। तो प्रधान सिर्फ नाम दिखा रहा है, कागजों पर बनवा रहा है? हाँ, फर्जी दस्तखत भी कर लेता है हम लोगों के। ये कैसे मालूम आपको दस्तखत कर लेता है? हाँ, तो हम जब दस्तखत ही नहीं करते तो हमको तो मालूम है। हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, दो चार पूरे पाँच साल में 3 बार सस्तमले दफे मीटिंग हुआ, तो किसी को बुलाया नहीं जाता। कोई खबर ही नहीं दिया जाता। और गांव में सर काम कराया? गांव में गांव में समझा अधूरे काम पड़े हुए, पैसा निकल गया और दीवारों पे लिखा है कि यहाँ से इतना काम हुआ। ठीक है।